हे गाइस, आईपीएल 2023 का मैच नंबर 8 पंजाब किंग्स वर्सेस राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला खत्म हो चुका है एंड ये मुकाबला पंजाब किंग्स की टीम जीत चुकी है। नेल बाइटिंग मुकाबला था एंड पंजाब किंग्स की टीम आखिरी ओवर में अच्छा बॉल करके मुकाबला जीत चुकी है। एंड यहां पे मैं आपको आईपीएल 2023 का नया पॉइंट्स टेबल, ऑरेंज कैप लिस्ट एंड साथ ही साथ पर्पल कैप लिस्ट बताने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। एंड इससे पहले आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज ऐसे ही आईपीएल के वीडियोस आपको इस चैनल पे देखने को मिलते रहेंगे। एनीवेज, सबसे पहले पॉइंट्स टेबल पे नजर डाल लेते हैं। बॉटम की पांच टीमों की बात की जाए तो यहाँ पे नंबर 10 पे सनराइजर्स हैदराबाद की टीम है। एसआरएच की टीम ने एक मैच खेला है, अपना पहला मैच हारते ही इनके पास 0 पॉइंट है एंड इनका नेट रन रेट -3.600 का चल रहा है। नंबर 9 पे मुंबई इंडियंस की टीम है। मुंबई इंडियंस की टीम ने भी एक मैच खेला है, अपना पहला मैच हारते ही इनके पास 0 पॉइंट है एंड इनका नेट रन रेट -1.981 का है। नंबर 8 पे दिल्ली कैपिटल्स की टीम है। दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने दो मैचेस खेले, दोनों मैचेस हारते ही इनके पास 0 पॉइंट है एंड इनका नेट रन रेट -1.703 का है। नंबर 7 पे कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम है। केकेआर की टीम ने एक मैच खेला है, अपना पहला मैच हारते ही इनके पास 0 पॉइंट है एंड इनका नेट रन रेट -0.438 का है। नंबर 6 पे चेन्नई सुपर किंग की टीम है। चेन्नई सुपर किंग की टीम ने दो मैचेस खेले हैं जिसमें से एक मैच जीती है, एक मैच हारी है, दो पॉइंट्स के साथ इनका नेट रन रेट +0.036 का है। अब ये तो रहा बॉटम की पांच टीम्स, अब यहाँ पे बढ़ते हैं टॉप की पांच टीमों की तरफ। यहाँ पे नंबर 5 पे लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम है। लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने दो मैचेस खेले जिसमें से एक मैच जीती है, एक मैच हारी है, दो पॉइंट्स के साथ इनका नेट रन रेट +0.950 का है। नंबर 4 पे राजस्थान रॉयल्स की टीम है। राजस्थान रॉयल्स की टीम ने दो मैचेस खेले जिसमें से एक मैच जीती है, एक मैच हारी है, दो पॉइंट्स के साथ इनका जो नेट रन रेट है वो यहाँ पे 1.675 का है। नंबर 3 पे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम है। आरसीबी की टीम ने एक मैच खेला है, अपना पहला मैच जीतते ही इनके पास टोटल 2 पॉइंट्स है एंड इनका नेट रन रेट +1.981 का है। नंबर 2 पे पंजाब किंग्स की टीम है। पंजाब किंग्स की टीम ने दो मैचेस खेले, दोनों मैचेस जीतते ही इनके पास टोटल 4 पॉइंट्स है एंड इनका नेट रन रेट +0.311 का है। एंड नंबर 1 पे गुजरात टाइटंस की टीम है। गुजरात टाइटंस की टीम ने दो मैचेस खेले, दोनों मैचेस जीतते ही इनके पास टोटल 4 पॉइंट्स है एंड इनका नेट रन रेट +0.700 का है। तो अभी फिलहाल पॉइंट्स टेबल पे टेबल टॉपर गुजरात टाइटंस की टीम है एंड बॉटम पे सनराइजर्स हैदराबाद की टीम है। आपकी फेवरेट टीम अभी कौन से रैंक पे है कमेंट करके जरूर बताएगा। अब यहाँ पे बढ़ते हैं ऑरेंज कैप लिस्ट की तरफ। यहाँ पे आप ऑरेंज कैप लिस्ट देख ही सकते हो, जहाँ पे नंबर 10 पे शुभमन गिल है, इनके पास टोटल 77 रन से। नंबर 9 पे विराट कोहली, इनके पास 82 रन से। नंबर 8 पे प्रभसिमरन सिंह है, इनके पास 83 रन से। नंबर 7 पे साई सुदर्शन, इनके पास 84 रन से। नंबर 6 पे तिलक वर्मा, इनके पास भी 84 रन से। नंबर 5 पे डेविड वार्नर, इनके पास 93 रन से। नंबर 4 पे संजू सैमसन, इनके पास 97 रन से। नंबर 3 पे शिखर धवन, इनके पास 126 रन से। नंबर 2 पे काइल मेयर्स, इनके पास भी 126 रन एंड नंबर 1 पे ऋतुराज गायकवाड़, इनके पास 149 रन से एंड 149 रन के साथ ऑरेंज कैप अभी फिलहाल ऋतुराज गायकवाड़ के पास है। अब यहाँ पे पर्पल कैप लिस्ट की तरफ बढ़ लेते हो तो यहाँ पे पर्पल कैप लिस्ट भी आप देख ही सकते हो, जहाँ पे नंबर 10 पे जेसन होल्डर, इनके पास 3 विकेट्स। नंबर 9 पे एलेजारी जोसेफ, इनके पास 4 विकेट्स। नंबर 8 पे मोइन अली, इनके पास भी 4 विकेट्स। नंबर 7 पे मोहम्मद सामी, इनके पास 5 विकेट्स। नंबर 6 पे युजवेंद्र चहल, इनके पास 5 विकेट्स। नंबर 5 पे अर्शदीप सिंह, इनके पास भी 5 विकेट्स। नंबर 4 पे रवि बिश्नोई, इनके पास भी 5 विकेट्स। नंबर 3 पे राशिद खान, इनके पास भी 5 विकेट्स। नेथन इलिस आ चुके हैं, इनके पास भी 5 विकेट्स एंड नंबर 1 पे मार्क वुड है एंड टोटल 8 विकेट्स के साथ जो पर्पल कैप है वो यहाँ पे मार्क वुड के पास है। तो गाइस कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपका फेवरेट प्लेयर अभी कौन से रैंक पे है। एंड अब यहाँ पे बात की जाए एमवीपी की, तो एमवीपी का जो लिस्ट है वो यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ है। यहाँ पे मैं आपको टेलीग्राम पे बता देने वाला हूँ, तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके फॉलो कर सकते हो। एंड इसी के साथ वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो आपको थोड़ी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैक्सर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि मेरी
नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। सो गाइस, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी। मिलते हैं कौन है इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, गुड बाय।